हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक्सेल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे एक्सेल में ऑप्शन चेन को फेच करें, कैसे उसे मैनिपुलेट करें ताकि हमारा बहुत सारा एनालिसिस ऑटोमेटिक हो सके। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप वो पहले देखें, तो आपको पता चलेगा कि एक्सेल से क्या हो सकता है। बट ये तो बहुत ही बेसिक था। अगर मैं एक्सेल का फुल पोटेंशियल का बात करूँ वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमने ट्राई किया है एटलीस्ट 5-7% ऑफ द एक्सेल का फुल पोटेंशियल हम यूज़ कर सके। तो हमने एक ऐसा एक्सेल बनाया है जहाँ पे हम टिक बाय टिक डेटा फेच करते हैं और एक नहीं दो नहीं पूरे 10 स्ट्राइक प्राइस और उनके स्ट्रेडल का हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं, वो भी एवरी 10 सेकेंड टाइम फ्रेम पे। तो लेट अस सी वो हमने कैसे किया है। तो ये हमारा एक एक्सेल है जहाँ पे रियल टाइम में इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेस ट्रेडल उसका रियल टाइम में डेटा फेच हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक्सेल को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही हमने बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई है, अगर कोई भी कंडीशंस मैच हुई तो ये यहाँ पे हमें सिग्नल्स देना चालू कर देगा और आप देख सकते हो टाइम। तो एवरी 10 सेकेंड्स ये कंडीशंस चेक करता है, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो बाय ये सेल सिग्नल इसमें आ जाएगा। अब ये सिग्नल्स को कैसे यूज़ करना है ये हमने बहुत रिसर्च बैक टेस्टिंग करके बनाया हुआ है। तो ये वीडियो तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि एक्सेल में क्या पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सेल में सिर्फ ऑप्शन चेन डेटा डाउनलोड कर लिया तो बस उधर तक ही एक्सेल सीमित है। बट नहीं, एक्सेल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वेट करते हैं कोई सिग्नल आने का। यहाँ पे मैं जनरली स्ट्रेडल में ट्रेड करता हूँ, तो ये पूरा एक्सेल मैंने स्ट्रेडल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो जैसे ही कोई ट्रेड आता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये 932 हो गया और ये दिखा रहा है साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस है, उसे पता लग जाता है कि मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, सब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आ जाता है। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट 15-20 मिनट से मार्केट साइडवेज है, और ये हमें पहले ही 9:30 को ही पता चल गया था कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये 1 मिनट का चार्ट है इसके लिए आपको ये दिख रहा है, बट अगर मैं ये 5 मिनट का चार्ट कर दूँ तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट वहीं का वहीं पे है। तो आप पूछोगे कि ये हमें साइडवेज रहेगा ये कैसे पता चला। सो द रीज़न इज़ कि हमने एक तो 20 स्ट्राइक प्राइस का एक साथ कैलकुलेशन किया कि 20 के 20 स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है, प्लस वो जो 20 स्ट्राइक है उनके स्ट्रेडल में क्या हो रहा है, वेदर बाइंग सेलिंग, वो सब हमने रियल टाइम में कैलकुलेट किया और कंक्लूजन ये निकला कि कुछ खास हो नहीं रहा है मार्केट में। सो मार्केट इज़ नॉट ट्रेंडिंग, सो मार्केट इज़ साइडवेज। तो जैसे ही कोई ट्रेंड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ कि ये शीट हमें कैसे प्रायर इंटीमेशन दे देगी कोई ट्रेंड का। एज ऑफ नाउ तो अभी भी साइडवेज ही है मार्केट, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल आ गया है 10:04 को, 18,000 स्ट्रेडल, 253 पे सेल, और या तो 17,700 स्ट्रेडल, 306 पे बाय। अभी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं ऑलवेज रिट्रेसमेंट पे बाय करता हूँ, तो 306 से अभी 301 चल रहा है, तो लेट से 301 पे हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। अब वेट करना पड़ेगा 15 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड 30 पॉइंट टारगेट। आज फ्राइडे है इससे लिए मैं बाइंग प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग। अगर ये सेम वेडनेसडे या थर्सडे होता तो मैं सेलिंग प्रेफर करता। सो आई गेस यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया है, इट्स 10:25 अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे ट्रेड लिया हुआ था। टारगेट इज 330, लेट्स सी वेदर टारगेट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे
17,700 316 हो गया है, तो हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मूव कर देंगे, दैट इज़ 300 320, 10 मोर पॉइंट्स एंड हमारा टारगेट हिट। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस और ट्रेल कर देंगे, अब 300 नहीं 310 रहेगा स्टॉप लॉस। सो ये ट्रेड में हम मिनिमम 10 रुपीस तो प्रॉफिट लेके ही चलेंगे। 329 330, सो आउट ऑफ द ट्रेड एट 330 एंड जैसे ही 2 मिनट बाद ये फिर से रिट्रेस हो गया। तो एंट्री एज वेल एज एग्जिट दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन्युअली हम ये 20 स्ट्राइक प्राइस का रियल टाइम में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा ब्रेन का लिमिटेशन है। इसीलिए हमने एक्सेल यूज़ किया और हमने ट्राई किया कि हम एक्सेल का फुल पोटेंशियल यूज़ करें। हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको पता चल सके कि एक्सेल का फुल पोटेंशियल क्या है, एक्सेल को कौन से एक्सटेंट तक यूज़ किया जा सकता है। हम ये फाइल आपको शेयर नहीं कर सकते, बट वट वी कैन डू फॉर यू इज़, अगर आपके पास कोई एक ऐसा लॉजिक है और आपको एक ऐसा कस्टमाइज फाइल बना के चाहिए, तो हम एज अ पेड सर्विस वो फाइल को आपके लिए बना सकते हैं। आपकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स रहेगी हम बेस्ड ऑन दैट आपको आपका फाइल बना के देंगे। इट विल बी पेड सर्विस एंड कॉस्ट विल डिपेंड कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज रिक्वायर्ड है इन अ फाइल। सो आपको अगर ये फाइल का बेनिफिट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम तो ये सेल करने नहीं वाले हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम कि हम मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे टेलीग्राम पे हम एक वीक में एक दिन इसका लाइव स्ट्रीम करेंगे, जो भी इसमें ट्रेड हो रहा है वो आपको लाइव दिखेगा इन द लाइव मार्केट। सो ये हम एक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था कि आपको दिखा सके कि एक्सेल में क्या पॉसिबल है। हमने अभी तक एक्सेल का 5-7% पोटेंशियल ही एक्सप्लोर किया है। अगर 100% पोटेंशियल एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ पॉसिबल है, हम ट्रेड्स भी एक्सेल से ही इसमें प्लेस कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो था कि एक्सेल से क्या क्या पॉसिबल है और आपको आपके लॉजिक क्यों ऑटोमेट करने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है और उसे ऑटोमेट करवाना है तो आप हमें मेल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।